आज हम सोशियो रिलीजियस मोमेंट जो है उसको कंटिन्यू करेंगे। लास्ट वीडियोस में मैंने आपको स्टार्ट करवाया था कि हिंदू रिफॉर्मर्स जिन्होंने ये मोमेंट स्टार्ट की थी उनमें हमने राजा राम मोहन रॉय के बारे में पढ़ लिया था। बाकी जो हिंदू रिफॉर्मर्स हैं उनके बारे में पहले हम पढ़ेंगे एंड देन मुस्लिम रिफॉर्मर्स एंड देन पारसीज एंड सिख रिफॉर्मर्स। तो हिंदू रिफॉर्मर्स की बात की जाए तो पायनियर जो थे इस फील्ड में वो थे राजा राम मोहन रॉय, उनको हम लास्ट वीडियो में पढ़ चुके हैं। आज जो है हम पढ़ेंगे दविंद्रनाथ टैगोर, केशव चंद्र सेन, ईश्वर चंद्र विद्यासागर, दयानंद सरस्वती एंड स्वामी विवेकानंदा, ये सब जो थे ये हिंदू रिफॉर्मर्स थे। इनके अलावा जितने भी और रिफॉर्मर्स होंगे उनके बारे में मैं आपको जो है वो आगे बताती रहूँगी। तो आज हम बात करेंगे ब्रह्मो समाज। लास्ट में मैंने जब लास्ट वीडियो हमने ख़त्म की थी तो वो हमने ब्रह्मो समाज पे ख़त्म की थी। ब्रह्मो समाज के तीन फेजेस हैं इस पूरी समाज में, थ्री फेजेस आए जब यहाँ पे ब्रह्मो समाज में चेंजेस आई है, और उसी फेजेस के अकॉर्डिंगली हम जो उनके साथ एसोसिएटेड रिफॉर्मर्स हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। तो फर्स्ट फेज हम ऑलरेडी पढ़ चुके। फर्स्ट फेज में जो थे राजा राम मोहन रॉय ने ब्रह्मो समाज को एस्टैब्लिश किया था। इसके जो ऑब्जेक्टिव्स थे वो थे प्रीस्टहुड के अगेंस्ट बात करते थे, मोनोथिज्म की बात करते थे, रिचुअल्स को रिचुअल्स और सेक्रीफाइस जो सेक्रीफिशियल फॉर्मूलाज थे उस टाइम पे जो रिचुअल्स थे सेक्रीफिस से रिलेटेड उनको डिस्कार्ड करना है। उसके बाद मॉडर्न अप्रोच की बात करते थे, यूनिटी ऑफ ऑल रिलीजन की बात करते थे फर्स्ट फेज में। सेकेंड फेज जो है ब्रह्मो समाज का वो स्टार्ट होता है दविंद्रनाथ टैगोर के साथ में। इनके साथ इसमें क्या क्या चेंजेस आए वो मैं आपको बाद में बताऊंगी। सबसे पहले थोड़ा सा दविंद्रनाथ टैगोर के बारे में हम पढ़ लेते हैं कि दविंद्रनाथ टैगोर की जो लाइफ हिस्ट्री है उनका जो बर्थ है वो 1817 में हुआ था कलकत्ता के एक एरिया कुश, उस एरिया का नाम था कुश, और जो डिस्ट्रिक्ट था वो था बडवान डिस्ट्रिक्ट ऑफ वेस्ट बंगाल। इनके जो फादर थे उनका नाम था द्वारकानाथ टैगोर। द्वारकानाथ टैगोर बेसिकली टैगोर इनका सरनेम रियल सरनेम नहीं था, रियल सरनेम इनका जो था वो था कुशारी। ये क्वेश्चन कहीं पे आया है तो इसीलिए प्लीज आप ये नोटिस कर लीजिएगा। और इनका जो ब्राह्मण ये राहरी ब्राह्मण थे, उस टाइम पे डिवीजन थी बहुत ज़्यादा ब्राह्मण्स में, तो जो राहरी ब्राह्मण थे रविंद्रनाथ टैगोर उसी ब्राह्मण लीनियज से बिलोंग करते थे। नेक्स्ट आ गया इनकी एजुकेशन। तो इनिशियल एजुकेशन जो थी इन्होंने अर्ली एजुकेशन अपने घर से अपने होम से ही ली थी, और बाद में इनको एनरोल्ड किया गया था हिंदू कॉलेज में। लेकिन ये वेस्टर्न नॉलेज से ज़्यादा फोकस करते थे अपने रिलीजियस और फिलोसफिकल नॉलेज पे, तो इन्होंने फिलोसफी और रिलीजन के बारे में बहुत पढ़ा था। इनकी जो ग्रैंड मदर थी उनकी डेथ के बाद ये अपने घर जो था उनको छोड़ के चले गए थे। थोड़ा सा बैकग्राउंड में बताती हूँ कि इनके जो फादर थे वो ज़मींदार थे और वो बहुत बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट थे, बहुत रिच थे ये। लेकिन दविंद्रनाथ टैगोर ने हमेशा अपनी लाइफ बहुत सिंपलिसिटी में जो है वो अपनी लाइफ बिताई थी, और अपने घर से जब ये चले गए तो इन्हें बहुत से बुक्स में बताया है कि जब ये इनको उस टाइम पे कुछ एनलाइटनमेंट हुई थी। एनलाइटनमेंट ये हुआ था कि ही गेट टू नो अबाउट रियल ब्रह्मोनिज्म, कि ब्रह्मोनिज्म होता क्या है उसके बारे में इनको, उस चीज़ के बारे में इनको एनलाइटनमेंट हुई थी, वो मैं आपको फर्दर बताती हूँ क्या मतलब है उसका। नेक्स्ट आ जाते हैं कि जब ये वापस आए तो इन्होंने अपनी जो एक्सपीरियंसेस थे उनको लोगों तक स्प्रेड करने के लिए एसोसिएशन बनाई, और उस एसोसिएशन का नाम है तत्व बोधनी सभा। बहुत बार क्वेश्चन आ चुका है तत्व बोधनी सभा जो है वो किसने फाउंड की थी, तो आंसर इज दविंद्रनाथ टैगोर 1839 में। इसका तत्व बोधनी सभा का जो इंग्लिश में इसको बोलते हैं ट्रुथ सीकर एसोसिएशन, और ये इन्होंने अंडर द गाइडेंस ऑफ पंडित रामचंद्र विद्या बगीश, पंडित रामचंद्र विद्या बगीश की गाइडेंस के अंडर इसको स्टार्ट किया था। ये क्वेश्चन भी कहीं पे आ चुका है। अब इम्पॉर्टेंट क्या है, इम्पॉर्टेंट ये है कि ये तो सभी को पता होता है कि तत्व बोधनी सभा जो है वो किसने एस्टैब्लिश की थी, बट तत्व बोधनी सभा का ऑब्जेक्टिव क्या था, किस पर्पस के साथ इसको एस्टैब्लिश किया गया था, वो था स्प्रेड न्यू एक्सपीरियंस एंड नॉलेज। रविंद्रनाथ टैगोर चाहते थे कि जो उनकी नॉलेज है वो लोगों तक पहुंचा सके, प्लस जो उनको एक्सपीरियंस हुआ है, जो न्यू एक्सपीरियंस हुआ है वो भी इस पत्रिका के थ्रू वो लोगों तक पहुंचाते थे। ये जो सॉरी जो दूसरा इसका ये जो सभा है इसका जो दूसरा पर्पस था वो था डिसेमिनेट द नॉलेज ऑफ उपनिषद। उपनिषद की नॉलेज ये लोगों तक पहुँचाना चाहते थे। क्यों पहुँचाना चाहते थे, अगर आपने लिटरेचर पढ़ा है एंशियंट हिस्ट्री में
तो हिंदू लिटरेचर की बात करूँ तो वेदास, ब्रह्मास एंड अर्यंकास, ये तीनों जो हैं वो बहुत सी चीज़ों के अलावा ज़्यादा इम्पोर्टेंस जो है वो रिचुअल्स को देते थे, सेक्रीफिशियल फार्मूलाज को देते थे, रिचुअल्स की बहुत बात करते थे। लेकिन उपनिषद जो थे वो फोकस करते थे नॉलेज में। तो इसीलिए वो रविंद्रनाथ टैगोर जो थे उनका ये मानना था कि अगर हम उपनिषद की नॉलेज को लोगों तक पहुँचाएँगे तो लोगों में इंक्वायरी, रिलीजियस इंक्वायरी जो होगी वैसी टेंडेंसी डेवलप होगी, और किसी भी रिलीजन को आगे ले जाने के लिए ज़रूरी है कि लोगों में इंक्वायरी की टेंडेंसी, लोग क्वेश्चन करें कि क्या चीज़ गलत है और क्या चीज़ सही है। तो इस तरीके की एक मॉडर्न थिंकिंग के साथ वो चाहते थे कि लोग अपने रिलीजन को समझें। तो दैट मीन्स कि तत्वबोधनी सभा जो है उसके दो इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव थे, एक था रविंद्रनाथ टैगोर के खुद के एक्सपीरियंसिस को लोगों तक पहुँचाना और दूसरा उपनिषद की नॉलेज जो है वो लोगों तक पहुँचाना। इसके बाद क्या होता है कि रविंद्रनाथ टैगोर जो था उनका राजा राम मोहन रॉय के साथ वो कांटेक्ट में थे। राजा राम मोहन रॉय की डेथ के बाद से जो रविंद्रनाथ टैगोर थे वो एक्टिव हो गए ब्रह्मो समाज में, एंड फाइनली 1843 में इन्होंने तत्व बोधनी सभा और ब्रह्मो समाज को मर्ज कर दिया। मर्जर तो हो गया, लेकिन एक बात यहाँ पर आपको नोटिस करने वाली है वो ये है कि ब्रह्म समाज में मर्ज करने के बाद जो एलिमेंट थे वो तत्व बोधनी सभा के यहाँ पे जो है वो अप्लाई कर दिए उन्होंने, यानी अब इम्प्लीमेंटेशन जो तत्व बोधनी सभा के जो एलिमेंट थे वो यहाँ पे ब्रह्म समाज का वो पार्ट बन गए। कैसे बन गए वो मैं आपको समझाती हूँ। यहीं से स्टार्ट होता है ब्रह्म समाज का सेकेंड फेज। सेकेंड फेज में रविंद्रनाथ टैगोर ने बहुत सी चेंजेस जो थी वो ब्रह्म समाज में लाई, जिसमें इन्होंने क्या किया कि ब्रह्मोनिज्म को वहाँ पे इंट्रोड्यूस। ब्रह्मोनिज्म का मतलब था कि ब्रह्मो धर्म को प्रोपेगेट करना है। ब्रह्मो धर्म जो है वो ब्रह्मा की बात करें वो गॉड की बात करता है। वैसे ब्रह्मो समाज को इंग्लिश में सोसाइटी ऑफ गॉड या सोसाइटी ऑफ ब्रह्मा भी कहते थे। तो रविंद्रनाथ टैगोर ने ये जो नाम था इसको सही तरीके से इम्प्लीमेंट किया था रविंद्रनाथ टैगोर ने, जब उन्होंने कुछ रूल्स बना दिए, कुछ प्रिंसिपल्स बना दिए कि ब्रह्मोनिज्म को किस तरीके से प्रोपेगेट करना है। उन रूल्स के अकॉर्डिंगली जो रविंद्रनाथ टैगोर थे उन्होंने ये कंपलसरी कर दिया जो भी मेंबर्स थे ब्रह्मो समाज के कि वो प्योरली डील करेंगे, यानी ब्रह्मो समाज अब प्योरली डील करेगा हिंदूज के साथ में एंड हायर फॉर्म ऑफ हिंदुइज्म। हायर फॉर्म ऑफ हिंदुइज्म का क्या मतलब है? सबसे पहले हिंदूज के साथ डील करेंगे। डील मतलब अब जो भी यहाँ पे बात होगी वो सिर्फ हिंदूज के बारे में होगी। इस सभा में जो भी जो उस चीज़ को भी एड्रेस किया जाएगा वो सिर्फ हिंदूज के लिए किया जाएगा। और हायर फॉर्म ऑफ हिंदूज जो उपनिषद से डिराइव करता है अपनी अथॉरिटी, यानी जो सोशल इवल्स या सोशल प्रैक्टिसेस को जो हिंदू फॉलो नहीं करते, जो अपनी अथॉरिटी कहाँ से डिराइव करते, उपनिषद से, नॉलेज के बेसिस पे, तो उसी चीज़ को यहाँ पे इम्प्लीमेंट किया जाएगा। नेक्स्ट चीज़ इन्होंने क्या की कि क्रिश्चियनिटी को इस ब्रह्मो समाज के थ्रू ओपनली इन्होंने क्रिटिसाइज करना शुरू कर दिया। क्यों क्रिटिसाइज करना शुरू कर दिया? क्योंकि उस टाइम पे क्रिश्चियन मिशनरीज बहुत ज़्यादा क्रिश्चियनिटी को जो है इंडिया में स्प्रेड कर रहे थे, बहुत कन्वर्शन हो रही थी। तो इसीलिए रविंद्रनाथ टैगोर के अंडर ब्रह्मो समाज ने ओपनली जो है वो क्रिश्चियनिटी को अपोज करना शुरू कर दिया। और थर्ड चीज़ जो इन्होंने किया वो था टू कीप द रिलीजन ऑन द ओल्ड लाइन्स ऑफ द हिंदू स्क्रिप्चर्स। यही जो मैं आपको पहले बता चुकी हूँ कि जो ओल्ड स्क्रिप्चर्स हैं उसके अकॉर्डिंगली अब हिंदूज में क्या लाई जाएगी, चेंज लाई जाएगी, जो कि राजा राम मोहन रॉय के जो ऑब्जेक्टिव थे रविंद्रनाथ टैगोर के ऑब्जेक्टिव उनसे बिल्कुल अलग थे। क्योंकि राजा राम मोहन रॉय चाहते थे कि यूनिटी ऑफ ऑल रिलीजन होना चाहिए। रविंद्रनाथ टैगोर जो थे उन्होंने कह दिया कि नहीं, यहाँ पे सिर्फ हिंदूज की बात की जाएगी। तो दैट इज सेकेंड फेज जो था वो उसमें हिंदू टिंज आ गया था बिकॉज ऑफ रविंद्रनाथ टैगोर। बट वो बहुत प्रैक्टिकल वे में इस चीज़ को डील कर रहे थे। वो चाहते थे कि हिंदू के जो रिलीजन है उसको रिफॉर्म किया जाए, क्योंकि वो जो है वो करप्ट हो चुका है बिकॉज ऑफ सोशल इवल, बिकॉज ऑफ सोशल प्रैक्टिसेस, बिकॉज ऑफ प्रीस्टहुड एंड ऑल दैट स्टफ। अब क्या होता है कि इनके टाइम पे ब्रह्मो समाज की बहुत सी ब्रांचेस ओपन हो गई थी। पहले तो ये स्टार्ट बंगाल में किया गया था, लेकिन बाद में पंजाब तक इसकी ब्रांचेस पहुंच गई थी। इवन साउथ में अगर हम बात करें तो मद्रास तक जो ब्रह्मो समाज की जो ब्रांचेस है वो पहुंच गई थी। और अब इनके मैसेजेस को इनके फॉलोअर्स बहुत अच्छे से फॉलो कर रहे थे। तो ये दैट मीन्स कि अगर हम ओवरऑल देखें तो रविंद्रनाथ टैगोर जो थे
वो रिलीजियस रिफॉर्मर थे, उन्होंने रिलीजन में रिफॉर्म करने की कोशिश की। सोशल रिफॉर्म के बारे में उन्होंने बात की, बट एज सच कुछ एक्टिविटीज़ उतनी ज़्यादा नहीं थी, लेकिन रिलीजन को रिफॉर्म करने के लिए रविंद्रनाथ टैगोर ने बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया। अब आ जाते हैं, ये तो थे इनके रिलीजियस कॉन्ट्रीब्यूशन, अब हम बात करेंगे इनकी और भी कॉन्ट्रीब्यूशन से, लाइक इनकी लिटरेरी फील्ड में इन्होंने क्या कॉन्ट्रीब्यूट किया और एजुकेशन फील्ड में क्या कॉन्ट्रीब्यूट किया। अगर हम लिटरेरी फील्ड की बात करें तो दो इम्पॉर्टेंट वर्क्स जो थे वो रविंद्रनाथ टैगोर के थे, एक थी तत्वबोधिनी पत्रिका और एक थी ब्रह्मोधर्म। तत्वबोधिनी पत्रिका जो है वो बहुत इम्पॉर्टेंट थी, और बहुत बार ये क्वेश्चन भी आ चुका है। इसका जो मेन काम था, मेन पर्पस था इस पत्रिका का, वो था प्रोपेगेट द व्यूज ऑफ समाज, यानी ब्रह्म समाज के जो व्यूज़ हैं उनको प्रोपेगेट करना, उनको लोगों तक पहुँचाना। और इसकी ये 5 languages में उस टाइम पे पब्लिश होती थी, और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, IAS में पूछ चुके हैं। तो बंगाल में ये बंगाली में पब्लिश होती थी, इंग्लिश और तमिल में ये मद्रास में पब्लिश होती थी, और उर्दू और हिंदी में ये बरेली में पब्लिश होती थी। स्पेसिफिकली ये पूछ चुके हैं कि कहाँ पे किस लैंग्वेज में जो है वो तत्वबोधिनी पत्रिका जो है वो पब्लिश होती थी। दूसरी इनकी जो वर्क था वो था ब्रह्मोधर्म। ब्रह्मोधर्म का मेन फोकस जो होता था वो होता था डिनाउंसिंग द चर्च एंड सोशल इवेंट्स। दैट मीन्स कि जो ब्रह्म धर्म पत्रिका थी वो क्रिश्चियनिटी के अगेंस्ट बात करते थे, और सोशल इवल जो उस टाइम पे जो सोशल इवल थे सोसाइटी पे उसके अगेंस्ट बोलते थे। तो दोनों ही वर्क्स जो है वो रविंद्रनाथ टैगोर के, बट दोनों का पर्पस डिफरेंट है। हिस्ट्री में ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है, खासकर अगर हम सोशल रिलीजियस मोमेंट की बात करें, तो हर सोशल रिलीजियस मोमेंट जो है उसमें आप यही पढ़ोगे कि सोसाइटी में क्या चेंज आया, ये जो है रिलीजन में क्या चेंज आया। तो एक जैसा चेंज नहीं है, आपको यही डिफरेंस जो है वो यहाँ पे नोटिस करना है कि किसने किस तरीके से चेंज लाया। हर एक रिफॉर्मिस्ट का अपना एक एक्टिविटीज़ अलग थी, वर्किंग अलग थी, आइडियोलॉजी अलग थी, ठीक है। तो अब ब्रह्म समाज, खुद रविंद्रनाथ टैगोर भी ब्रह्म समाज का पार्ट है और राजा राम मोहन रॉय भी ब्रह्म समाज का पार्ट है, लेकिन दोनों की आइडियोलॉजी में बहुत बड़ा डिफरेंस है। तो इस चीज़ को आपको ज़्यादा नोटिस करना है, बिकॉज इट विल हेल्प यू इन द एग्जामिनेशन। आप एक डिफ्रेंशिएट कर पाओगे, तभी जाके क्वेश्चन जो है वो आपका दूसरों से अलग हो पाएगा। नेक्स्ट आ गया एजुकेशनल फील्ड में। तो एजुकेशनल फील्ड में ही वॉज द फर्स्ट पर्सन हु ओपन डोर्स फॉर वीमेन इन हायर एजुकेशन, यानी ये पहले ऐसे सोशल रिफॉर्मिस्ट या रिलीजियस रिफॉर्मिस्ट थे जिन्होंने हायर एजुकेशन में वीमेन को जो है वो आने के लिए जो है वो मोटिवेट किया था, और ये इन्होंने अपने घर से ही स्टार्ट किया था। और दूसरा, इन्होंने ब्रह्मो स्कूल्स एस्टैब्लिश किए थे, और इन स्कूल्स का जो पर्पस था वो था टू प्रमोट यूनिवर्सल प्राइमरी एजुकेशन इन इंडिया। तो दैट मीन्स कि इन्होंने एजुकेशनल फील्ड और लिटरेरी फील्ड में भी बहुत ज़्यादा जो था वो कंट्रीब्यूट किया था। अब आ जाते हैं हम फेस थर्ड में। फेस थर्ड जो है वो शुरू होता है केशव चंद्र सेन से। केशव चंद्र सेन और रविंद्रनाथ टैगोर जो थे उनका एक बहुत अच्छा रेपो था, उनकी आपस में बहुत बनती थी। इनफैक्ट केशव चंद्र सेन को ब्रह्मो समाज में लाने वाले जो थे वो रविंद्रनाथ टैगोर थे, और इनको आचार्य का टाइटल जो है वो भी रविंद्रनाथ टैगोर ने ही दिया था। और ये क्वेश्चन आपको आ चुका है कि केशव चंद्र सेन को आचार्य का टाइटल किन्होंने दिया था। नेक्स्ट, थोड़ा सा पहले हम केशव चंद्र सेन के बारे में पढ़ते हैं, और फिर हम आएंगे उनकी ब्रह्मो समाज से उनकी कैसे एसोसिएशन हुई। तो केशव चंद्र सेन जो है वो 19 नवंबर 1838 कलकत्ता में बॉर्न हुए हैं। इन्होंने एशियाटिक सोसाइटी के ये सेक्रेटरी रहे हैं। एशियाटिक सोसाइटी इंडिया में पहली सोसाइटी थी जिसको स्टार्ट किया था सर विलियम जॉन्स ने 1784 में। ये क्वेश्चन भी आपको आ चुका है कि एशियाटिक सोसाइटी किसने इस्टाब्लिश की थी। तो इसका जो मेन पर्पस था एशियाटिक सोसाइटी का वो था टू प्रमोट ओरिएंटल एजुकेशन। ओरिएंटल एजुकेशन को प्रमोट करने के लिए बनाई गई थी। और इसके बाद केशव चंद्र सेन जो हैं उन्होंने एज ए क्लर्क बैंक में भी काम किया था, बट ही क्विट दैट जॉब क्योंकि इनको फिलॉसफी में बहुत इंटरेस्ट था। तो इन्होंने बाद में फिलॉसफी में अपनी नॉलेज जो है वो गेन की है, चाहे वो वेस्टर्न फिलॉसफी हो, इंडियन फिलॉसफी हो, उसमें इन्होंने बहुत ज़्यादा पढ़ा है। उसके बाद इनकी एसोसिएशन ब्रह्मो समाज के साथ जब हुई 1857 में इन्होंने ज्वाइन किया ब्रह्मो समाज को। बट प्रॉब्लम क्या आई, प्रॉब्लम ये आई यहाँ पे कि इनकी आइडियोलॉजी रविंद्रनाथ टैगोर की आइडियोलॉजी बिल्कुल डिफरेंट थी। वो कैसे डिफरेंट थी कि केशव चंद्र सेन जो हैं वो
क्रिश्चियनिटी क्रिश्चियन टीचिंग से बहुत इंस्पायर्ड थे, वो क्रिश्चियन मिशनरीज के डिसिप्लिन से बहुत इंस्पायर्ड थे और बहुत फॉलो करते थे, और वो चाहते थे कि क्रिश्चियन टीचिंग को इन्फ्यूज किया जाए हिंदू फ्रेमवर्क में, जिसके रविंद्रनाथ टैगोर बिल्कुल अगेंस्ट थे। तो पहला जो पॉइंट है जिसके बीच में इनका कॉन्फ्लिक्ट स्टार्ट हुआ, वो दैट वॉज कि ये क्रिश्चियन मिशनरीज की और क्रिश्चियन टीचिंग को हिंदू फ्रेमवर्क में लाना चाहते थे। दूसरा, ये चाहते थे कि जो ब्रह्मो समाज है उसको ओपन किया जाए। ओपन किसके लिए किया जाए? हर रिलीजन के लिए। तो रविंद्रनाथ टैगोर उसके बिल्कुल अगेंस्ट थे, क्योंकि वो चाहते थे कि यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ हिंदूज को एड्रेस किया जाए। और थर्ड, जो केशव चंद्र सेन है, ये एडवोकेट करते थे इंटरकास्ट मैरिजेस को, जिसको रविंद्रनाथ टैगोर बिल्कुल भी उस पर ना तो उसके खिलाफ थे, ना वो उसके बारे में बोलते थे, लेकिन उसके फेवर में भी नहीं थे। केशव चंद्र सेन चाहते थे इंटर कास्ट मैरिजेस को वो फेवर करते थे। इसकी वजह से इनके कॉन्फ्लिक्ट बढ़ गए, और फाइनली थर्ड फेज में आते आते जो ब्रह्मो समाज थी वो स्प्लिट हो गई। ये 1865 में दो इंस्टीट्यूशंस बन गए। एक बन गया द भारत बार्शिया ब्रह्मो समाज, जिसको बोला गया ब्रह्मो समाज ऑफ इंडिया, जिसको लीड कर रहे थे केशव चंद्र सेन, और एक बन गया आदि ब्रह्मो समाज, जिसको लीड कर रहे थे रविंद्रनाथ टैगोर। दोनों में डिफरेंस क्या था? दोनों में डिफरेंस ये था कि केशव चंद्र सेन की जो ब्रह्मो समाज है उसने इन्फ्यूज करना शुरू कर दिया था मॉडर्न थिंकिंग को, मॉडर्न आइडियाज़ को, जो क्रिश्चियनिटी से इन्फ्लुएंस थे, और जो आदि ब्रह्मो समाज था जिसको रविंद्रनाथ टैगोर लीड कर रहे थे, उसमें हिंदुइज्म, हिंदूज, प्योर फॉर्म ऑफ हिंदूज की बात चल रही थी, प्लस मॉडर्न थिंकिंग की बात चल रही थी। इसकी वजह से क्या हुआ कि आस्ता आस्ता रविंद्रनाथ टैगोर जो थे वो ये सब छोड़ छाड़ के अपने शांति निकेतन को तो वैसे हम रविंद्रनाथ टैगोर के साथ एसोसिएट करते, बट उसकी जो एस्टैब्लिशमेंट थी वो रविंद्रनाथ टैगोर ने की थी। उन्होंने वहाँ फिलोसफी का काम किया, उन्होंने बहुत सा अपने रिलीजन को फैलाया, काफ़ी टाइम तक वो हिमालयस में भी चले गए, ये भी माना जाता है, लेकिन बाद में उनकी 1905 में डेथ हो जाती है। अब जो ब्रह्मो समाज ऑफ इंडिया है उसको केशव चंद्र सेन लीड कर रहे थे, लेकिन फर्दर जाके और भी कॉन्फ्लिक्ट इनके एसोसिएट जो इनके सपोर्टर्स थे उनके बीच में भी आ गया। वो कैसे आ गया कि सबसे पहले एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है, वो है नेटिव मैरिज एक्ट। अगर आपने यूपीएससी 2020 का पेपर देखा होगा तो आपने देखा होगा कि बहुत डीप हिस्ट्री जाके उन्होंने पूछी है, वहाँ पे उन्होंने एक मैरिज एक्ट के बारे में पूछा है। तो इसीलिए मैं कोशिश करूँगी कि जो भी सोशल रिफॉर्मर जिस सोशल रिफॉर्म के साथ एसोसिएटेड है वो मैं आपको साथ साथ करवाऊँ। तो नेटिव मैरिज एक्ट जो है वो 1872 में आया था, जिसको पास करवाने में केशव चंद्र सेन जो थे ही वॉज इंस्ट्रूमेंटल, उन्होंने मदद की थी। ये था क्या ये एक्ट? इस एक्ट के अकॉर्डिंग बेसिकली ये इंडियन क्रिश्चियंस की मैरिज को लीगलाइज करने वाला एक्ट था, जिसके अकॉर्डिंग ये कहा जाता था कि इंडियन क्रिश्चियन की मैरिज तभी लीगलाइज होगी जब एक पार्टी क्रिश्चियन होगी। तो दैट मीन्स कि ये सीधे सीधे कन्वर्शन की बात हो रही थी। तो इसके हिंदूज बहुत खिलाफ थे, मुस्लिम्स बहुत खिलाफ थे, लेकिन केशव चंद्र सेन ने इसको पास करवाने में मदद की थी। तो इनके जो सपोर्टर्स थे वो उनके खिलाफ होने लगे। उसके बाद 1870 में जब ये क्वीन विक्टोरिया से मिले तो इन्होंने ब्रिटिश रूल की एक्सेप्टेंस को जो है वो माना, और कहा कि वो मानते हैं एक्सेप्टेंस इसकी जो है वो मानते हैं कि ब्रिटिश रूल जो है वो हमारे लिए सही है। तो इससे भी उनके एसोसिएट्स जो थे वो उनके खिलाफ हो गए, और फाइनली हुआ ये कि ये बार बार चाइल्ड मैरिज के खिलाफ बोलते थे। एक ही बहुत ज़्यादा उस टाइम पे इशू था चाइल्ड मैरिज का, तो उसके खिलाफ बहुत ज़्यादा बोला जाता था, लेकिन केशव चंद्र सेन ने अपनी 14 ईयर्स की डॉटर की मैरिज जो थी वो 15 ईयर्स के प्रिंस जो कि कूच बिहार के प्रिंस थे उनके साथ कर दी। इसके बाद जो ब्रह्मो समाज ऑफ इंडिया है वो भी स्प्लिट हो गया, और एक और नया इंस्टीट्यूशन बन गया, दैट इज़ साधारण ब्रह्मो समाज। साधारण ब्रह्मो समाज के साथ एसोसिएटेड जो लीडर्स थे वो थे आनंद मोहन बोस, उसके बाद शिवनाथ शास्त्री और द्वारकानाथ, तो ऐसे करके एमजी रनादे भी जो थे बाद में इसके साथ एसोसिएट हुए थे। तो इस तरीके से जो ब्रह्मो समाज है वो एक बार फिर से स्प्लिट हो गया, और फिर 1884 में केशव चंद्र सेन जो है उनकी डेथ हो जाती है, लेकिन ब्रह्मो समाज के जो प्रोग्राम्स और एक्टिविटीज़ थे वो कंटिन्यूसली जो है वो चलती रहती है। तो ये था आपका पूरा ब्रह्मो समाज और ब्रह्मो समाज से रिलेटेड कौन कौन से जो हैं सोशल रिफॉर्मिस्ट जो उसके साथ एसोसिएटेड है वो मैंने आपको बता दिया, बिकॉज ये इजी हो जाता है आपको समझना। अगर हम अलग अलग करते और मैं फेजेस ना बताती तो आपके थोड़ा सा वहाँ पे ट्रिकी हो जाता है याद करना एंड ऑल दैट स्टफ।
तो इसके बारे में आप क्वेश्चंस बहुत से आ चुके हैं जो प्रिलिमिनरी पॉइंट ऑफ व्यू से तो मैंने साथ साथ बता दिया। अब आपको अगर सिर्फ ब्रह्म समाज के बारे में आता है तो यू शुड स्टार्ट विद द इंट्रोडक्शन कि ब्रह्म समाज किसने स्टार्ट की थी, एंड देन फेजेस में अगर आप करोगे तो तीन फेजेस आप बता सकते हो को इन फेजेस में किस तरीके से ये स्प्लिट हुई और किस तरीके से इसकी कॉन्ट्रीब्यूशन थी, वो हर फेज के साथ साथ आप बता सकते हो। तो थोड़ा इनोवेटिव भी हो जाएगा और आपके लिए ईजी हो जाएगा इसको रिमाइंड रखना, अपने दिमाग में इसको याद रखना और फिर रिकॉल करना ईजी हो जाएगा। तो कोई भी सजेशन आ तो आप प्लीज़ सजेशन के लिए द ऑफिसर्स के दरवाजे हमेशा खुले रहते हैं, आप प्लीज़ अपने सजेशन दें। बट रिमेंबर वन थिंग, अगर आपको क्रिटिसाइज भी करना है तो आप कीजिए, लेकिन दैट शुड बी ऑन लॉजिकल बेसिस। इलॉजिक क्रिटिसिज्म ना हम किसी का करते हैं और ना ही मुझे अच्छा लगता है कि कोई हमारा इलॉजिक क्रिटिसिज्म करे। आपको क्रिटिसाइज करना है, आपके लिए पूरा प्लेटफॉर्म ओपन है, आप कर सकते हैं, बट दैट शुड बी ए लॉजिकल क्रिटिसिज्म। थैंक यू सो मच। एंड कोरोना कम हो गया है, लेकिन प्लीज़ आप लोग प्रिकॉशंस लीजिए। थैंक यू।